नमस्कार दोस्तों, यह है मेरे पास वीवो X100। दोस्तों इस फ़ोन में एक नया अपडेट आ चुका है जिसके बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूं, क्योंकि इस अपडेट में हमें क्या मिलता है ये मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा। और दोस्तों कुछ एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं जिनके बारे में आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो दोस्तों जो अपडेट है जो इस फ़ोन में आया हुआ है उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये देखिए ये फ़ोन, इसमें जो अपडेट आ चुका है जिसको मैंने अपने फ़ोन में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिया है। तो दोस्तों मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बनाऊं उसके ऊपर। तो देखिए इस अपडेट में मैं जून का जो सिक्योरिटी पैच लेवल है दोस्तों वो मिल जाता है, जबकि जून का महीना ख़त्म होने वाला है। तो ये एक फ्लैगशिप फ़ोन की लिस्ट में आता है, इसलिए हमें इसमें दोस्तों जून का सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिलता है। पहले दोस्तों ये जो फ़ोन है एक ऐसा फ़ोन है जो सेम वीवो की तरफ से काफ़ी अच्छे फ्लैगशिप कलर जो बोलते हैं उनकी लिस्ट में आता है। तो इसमें दोस्तों आपके फ़ोन में जो भी बक्स वगैरह थे वो सारे फिक्स कर दिए गए हैं, जैसे कि दोस्तों 3 बटन नेविगेशन वाला, और जो नेटवर्क जो इशू वगैरह आ रहे थे, ऑप्टिमाइज थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो होती हैं, और ब्लूटूथ में जो भी थोड़ा बहुत दोस्तों चेंज वगैरह आ रहा है, होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में भी दोस्तों कुछ आपको अलग देखने को मिलेगा, कंट्रोल सेंटर फिक्स था, ऑक्सीजन इशू भी, वाईफाई स्विच डज नॉट वर्क। दोस्तों ऐसे कुछ थोड़े छोटे मोटे जो इशू होते हैं जो थोड़ा इरिटेट करते हैं वो सारे दोस्तों इसमें फिक्स कर दिए गए हैं। अब दोस्तों इसकी साइज़ की बात की जाए तो ये जो अपडेट है ये 550 या 600 के समथिंग के बीच का है, क्योंकि जब अपडेट फोन हमारा हो जाता है तो उसमें दोस्तों जो साइज होता है वो पता नहीं लगता, वो जब ही दिखता है जब हमारा अपडेट आया हुआ है और हमने अभी तक जब तक किया नहीं है। तो ऐसा कुछ दोस्तों इसमें दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों मेरा सिर्फ यही आपको बताना है कि अगर आपके पास ये फ़ोन है और ये अपडेट आपके फ़ोन में आ चुका है तो फटाफट से इसको कर लो बिना देरी किए हुए, क्योंकि जितने भी बक्स हैं वो सारे आपके फ़ोन में फिक्स हो जाएंगे। और दोस्तों अगर आपके फ़ोन में कोई भी बक्स होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे फ़ोन लैग करता है, हीट करता है, और उसकी वजह से दोस्तों फ़ोन की जो बैटरी होती है वो जल्दी जल्दी ड्रेन होती है। तो जब कोई इशू नहीं रहेगा तो फ़ोन एकदम स्मूथ चलेगा, जिससे आपके फ़ोन की भी बैटरी काफ़ी टाइम अच्छे लंबे टाइम तक चलने वाली है। तो दोस्तों बस इतना ही था इस वीडियो में, अगर आपके पास ये फ़ोन है फटाफट से अपडेट कर लो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर जरूर करें। और दोस्तों अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैं सही वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।